लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है वो पानी वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पीछे से ही अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो जिन बच्चों ने किया भी है अगर कुछ प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर लेते हैं पीछे से, और बाकी फिर क्या करेंगे एक एक करके पीछे तक स्टार्टिंग तक चलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन ही क्या बोल रहा है, एक शंक्वाकार बर्तन है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है, 8 है। ठीक है, तो आपने ऐसे बोला कि ये एक शंकु का आकार का बर्तन है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, पूरी तरह पानी से भरा हुआ है, पूरी तरह पानी से भरा हुआ है, तो जब भी पानी से भरना है तो आप शंकु को ऐसे बनाना, ठीक, क्योंकि पानी ऐसे ही रुकेगा और ये वाला पार्ट क्या होगा, ऐसा ओपन काइंड ऑफ हो जाएगा। एक गोले को इस प्रकार डुबाया जाता है कि जब ये बर्तनों की भुजाओं को स्पर्श करता है, यानी कि यहाँ पे स्पर्श करता है, तब पूरी तरह डूब जाता है, मतलब ये इस तरह से है, तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम साइज का स्फेयर हो गया। ठीक है, मैक्सिमम साइज का स्फेयर हो गया है, तो बोल रहा है इस तरह से है तब पूरी तरह डूब जाता है, इस प्रक्रिया में कितना भाग पानी का बाहर निकल जाएगा, तो आप बोलोगे उतना ही भाग पानी का बाहर निकलेगा जितना आपने सॉलिड को इमर्स किया है अंदर, और क्योंकि इसको पूरी तरह इमर्स किया है, तो आपने बोला ये मैक्सिमम साइज का स्फीयर है, इसका जो वॉल्यूम होगा यानी कि 4/3 πr³, ये क्या होगा, इसके अंदर आ जाएगा और इतना ही पानी बाहर निकल जाएगा, तो ये निकला हुआ पानी है अपॉन में क्या करोगे, 1/3 πr² h, ये स्मॉल आर क्या है, इसकी रेडियस और ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो आपने बोला ये रेडियस और हाइट होगी जो इस कोन के टोटल वॉल्यूम को शो करेगा, ये कर लिया। नहीं, इस बार का मेंस तो और अच्छे से देना, जॉब तो पक्की है लेकिन अभी बेस्ट जॉब नहीं पता ना क्या हो, तो मॉक्स ये सब कुछ अच्छे से देते रहना, मेंस सबसे अच्छे से देना, और थोड़ा सा रिलैक्स होकर के देना कि हाँ तुम्हारे पास एक जॉब है पहले से। जब भी ऐसा होता है ना कि कुछ पहले से है, तब थोड़ा सा आदमी रिलैक्स हो पाता है, तब प्रेशर को हटा पाता है और तब सबसे बेस्ट स्कोर करता है। ठीक है, बिल्कुल भी चिंता नहीं, एकदम मस्त रिलैक्स होकर के देना और अच्छा इस बार एग्जाम देना। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, तो आपने कहा ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी रेडियस नहीं मालूम है, तो इसकी रेडियस कैसे निकालोगे, आपको करना सिखाया है, ये इसकी रेडियस कैसे निकलती है, मैक्सिमम साइज का ये स्फेयर है कोन के अंदर में, तो इसकी रेडियस आप निकाल लोगे कितनी आ जाएगी। आपने बोला कि यहां पर हम लोग डायरेक्टली इसकी रेडियस निकाल सकते हैं, आर की वैल्यू कैसे, डेल्टा अपॉन एस से। ठीक है, तो ये डेल्टा अपॉन एस से निकल करके आ जाएगा, बाकी सिमिलैरिटी से भी कर सकते हो, बट डेल्टा अपॉन एस से बड़ा आसान सा हो जाएगा। आपने बोला डेल्टा कितना आ जाएगा, इसकी त्रिज्या कितनी है, 6 है, तो आपने बोला ये भी 6 हो जाएगा, और ये ऊंचाई कितनी है, 8 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 10 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने बोला ये 10 के बराबर हो जाएगा, ये 10 के बराबर हो गया, तो आप इससे क्या निकाल सकते हो, सेमी पेरीमीटर तो आसानी से आ जाएगी, 10 और 6 16, और डेल्टा कितना आ जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाए 6 8 48, तो ये वैल्यू आपकी आर की कितनी आ जाएगी, आपने बोला 16 32, रेडियस कितनी आ गई, 3 के बराबर, तो यहां पर रेडियस हो गया 3, तो 3 का क्यूब कर दोगे। स्मॉल आर कितना दिया गया था, ये दिया गया था 6, तो 6 का स्क्वायर 36, गुणे में कितना आ जाएगा, हाइट कितनी है, 8 है, तो अब देखो काटो, 4 से कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 1 कट जाएगा, तो ये 9 कटेगा 4 आ जाएगा, तो ये 3/8 के बराबर आ जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर कि कितना पानी बाहर निकलेगा, ये वॉल्यूम से आप निकाल लोगे। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, सिमिलैरिटी से भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है, कैसे भी निकालो अच्छे से आराम से आंसर आ जाता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30th क्वेश्चन आपको बेसिक क्वेश्चन था, 29th जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अजेल क्वेश्चन है, ये आपका किसी कैट वगैरह के एग्जाम में पूछा गया था, आई थिंक एग्जैक्ट नहीं मुझे पता है, बट किसी अच्छे एग्जाम में पूछा गया था, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको समझना। ठीक है, यहां पर हम लोगों को सिमिलैरिटी का ही यूज करना पड़ जाएगा। देखो भाई, आपको बोले एक शंक्वाकार बर्तन है इस तरह से है, ठीक है, और यहां पर यह शंक्वाकार बर्तन हो गया, आपने बोला इसकी त्रिज्या कितनी है, 3 है, तो आपने कहा ये इसकी त्रिज्या है 3। ठीक है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है, 6 है, अगर तिर्यक ऊंचाई 6 है तो आप इसकी हाइट बता सकते हो, आपने बोला इसकी जो हाइट आएगी वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3 है, ये 6 है, ये 90 डिग्री होता है, तो ये आपकी हाइट कितनी आ जाएगी, ये आपकी हाइट आ जाएगी 1 2, तो ये यहाँ पे क्या होता है, √3, तो ये आ जाएगी 3√3 के बराबर। ठीक है, अच्छा ये इसकी हाइट कितनी आ गई, आपने बोला इसकी हाइट आ गई 3√3 के बराबर, ये क्या है, ये इसकी पूरी पूरी हाइट आ गई। अच्छा अब आप क्या करोगे, अब यहां पे इस क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक शंकु है, एक शंकु इतने आयतन की कितने आयतन पानी की आवश्यकता होगी ताकि इसमें 1 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या का गोला पूरी तरह से डूबता रहे,
यानी कि यहां पर आपको क्या दे दिया गया, इसकी रेडियस दे दी गई। अच्छा, रेडियस जो होती है वो क्या होती है, आपने बोला यहां पर जो इसको टच करती है तो परपेंडिकुलर वे में टच करती है, ठीक है। तो आपने बोला ओके नो प्रॉब्लम। तो यहां पर देखो, आपने बोला कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला जो ट्राइंगल होगा, ठीक है, यहां पर दो चीजें हैं, बड़े ध्यान से आपको समझना है, क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है ये वाला, और एक ही इस टाइप का क्वेश्चन रहता है जो कि आपको मैक्सिमम बुक्स में या अगर डिफिकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट लेवल पे कुछ बनेगा तो यही क्वेश्चन बनेगा। तो यहां पर आपको इसकी ये देखना है कि ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो ओरिजिनल ट्राइंगल है, ये दोनों कैसे हैं, सिमिलर है। आपने बोला ये 90 तो ये भी 90, ठीक है, और यहां पर ये दोनों में क्या है, कॉमन है, ओके। तो आपने बोला ये दो एंगल्स क्या हैं, इस तरह से कॉमन हो रहे हैं और दो 90 है, बचे हुआ तीसरा एंगल भी क्या हो जाएगा, ये भी अल्फा होगा, तो ये भी अल्फा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो अब देखो यहां पर क्या करते हैं, 90 के सामने वाली साइड ये कितनी है, तो आपने बोला 90 के सामने ये वाली साइड कितनी है, 6 है, ठीक है। तो ये वाली साइड को मैं इस तरह से 6 के बराबर, ये 90 के सामने क्या है, ये साइड 6 के बराबर। तो आपने कहा इसके 90 के सामने की साइड 6 है, तो इसमें 90 के सामने क्या है, ये आपका इस वाले की ये हाइट आ जाएगी इतनी, सेंटर से लेकर के नीचे वाले पॉइंट तक। तो आपने बोला इसको सेंटर को ओ नाम दे देते हैं और इस वाले ट्राइंगल को इस तरह से एबीसी ये दे देते हैं। तो आपने कहा ओबी की लेंथ यहां से आ जाएगी इतनी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने कहा अल्फा की वैल्यू, अल्फा के सामने वाली साइड्स का रेशियो ले लो, तो यहां पर ये अल्फा है बड़े वाले ट्राइंगल में, तो ये वैल्यू कितनी है, ये इसकी हाइट के बराबर है, ये टोटल हाइट आपने निकाली कितनी है, 3√3। और यहां पर इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो अल्फा कितना आ जाएगा, अपने का अल्फा के सामने ये वाली साइड है, तो ये तो पता नहीं है, तो अल्फा के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। तो बचा हुआ एंगल कौन सा है, आपने बोला ये कॉमन वाला एंगल देख सकते हैं, तो कॉमन वाला एंगल देखोगे तो यहां पर ये कितना है, 3 है बड़े वाले ट्राइंगल में, और छोटे वाले ट्राइंगल में यही कितना है, ये इसकी रेडियस है जो कि 1 क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या और इस छोटे वाले की 1 त्रिज्या, बात समझ में आई। तो आपने बोला ओबी की लेंथ, ओबी की लेंथ यहां से कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 के बराबर। अच्छा, अब देखो ओबी की लेंथ अगर 2 के बराबर आ गई, यानी कि सेंटर से लेकर सबसे नीचे वाले पॉइंट की लेंथ 2 है और इसकी रेडियस 1 है, तो ये वाली जो लेंथ है, ठीक है, कौन सी, यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी कि ये जो ट्राइंगल आपका ये जो फॉर्म हो रहा है इस तरह से आपका, है ना भाई, ये आपका एक कोन है, इस पॉइंट पर यहां पर आपने स्फीयर रखा है, तो स्फीयर के जो जो मैक्सिमम पॉइंट है जहां पर टच हो रहा होगा, ये वाला भी एक कोन फॉर्म हो रहा होगा, तो इतने की हाइट जो आ गई वो कितनी आ गई, आपने बोला इसके सेंटर से नीचे तक की लेंथ 2 थी, इसकी रेडियस 1 है, तो ये जो हाइट होगी ये कितनी आ गई, ये 3 के बराबर आ गई। आपने बोला ये 3 के बराबर आ गई, यहां तक अगर पॉइंट समझ में आ गया तो आधा काम आपका हो गया, ठीक है। तो आपने बोला इस वाले ट्राइंगल के लिए, इस वाले ट्राइंगल, इस वाले कोन के लिए आपको हाइट मिल गई। बेसिकली आपको चाहिए क्या कि इस वाले कोन का वॉल्यूम निकल है, तो वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए होता, हाइट चाहिए होती और रेडियस चाहिए होती। अब देखो, अब यहां पर फिर से आप सेम सिमिलैरिटी लगाओगे, कौन सी वाली, अब आपकी सिमिलैरिटी जो लगेगी वो ऐसे वाली लगेगी, ठीक है। आपने बोला ये इस तरह से है, यहां तक आ गए, अब ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है, 3 है, टोटल लेंथ कितनी है, 3√3 है, तो आपने बोला टोटल इसकी रेडियस कितनी है, यहां पर टोटल रेडियस है 3 के बराबर, तो इनमें रेशियो देखो कितने का है, 3√3 और 1 का, तो यहां पर भी रेशियो 3√3 और 1 का हो जाएगा, तो आपने कहा यहां पर 1/√3 कर देंगे, तो ये 3√3 के बराबर आ जाएगी। तो यहां से आपको इसकी रेडियस मिल जाएगी, इसकी रेडियस कितनी हो गई, 3√3 के बराबर आ गई, क्लियर। अब आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, आपने बोला इतने पार्ट का वॉल्यूम निकालेंगे कोन के अकॉर्डिंग, तो कोन के अकॉर्डिंग वॉल्यूम कितना आ जाएगा, आपने कहा कोन का वॉल्यूम कितना आएगा, 1/3 πr²h, तो आपने कहा 1/3 πr² r कितना है, 3√3 आया, यहां का r 3√3 आया, स्क्वायर करोगे तो 3 × h कितना आया, आपने ob की वैल्यू निकाली है 2 के बराबर, माइनस करोगे कितना, आपको माइनस क्यों करना है, क्योंकि अगर इतना ही पानी आप भर दोगे तो जब आप स्फीयर डालोगे तो पानी तो ऊपर आ जाएगा, जबकि पानी एग्जैक्ट उतना ही चाहिए कि इसको भरने पर ये उसको पूरी तरह से डुबा सके। तो आपने बोला इतने पानी में से इस स्फीयर का वॉल्यूम घटा देंगे, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr³, r कितना है, 1 है इसका क्यूब, तो ये आ गया कितना, 3 से 3 कटेगा, 2π − 4/3π, तो आपने बोला ये कितना हो जाएगा, 2/3π के बराबर, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा देखो, 3 × 6, 6 में से 4 घटाओगे 2, 2/3π के बराबर, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है, 2/3π, ये इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए।
1/3 पाई ओबी की लेंथ कितनी आई, दो। अच्छा तो हाइट इसकी 3 हो जाएगी, एक सेकेंड, टोटल इसकी हाइट जब निकालोगे तो वो कितनी हो जाएगी, ये 3 के बराबर हो जाएगी। तो आपने कहा यहां पर 3 हो जाएगा, तो 3 से करोगे, रुकना एक सेकेंड, ठीक है, 1/3 पाई आर, आर तो ठीक है ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, √3, स्क्वायर करा तो 3 आ गया। एच ये टोटल है, तो ये इतना पार्ट कितना आया, ये वाला पार्ट आपकी ओबी है, ये 2 आया, यहां पर 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, तो यहां पे 3 आएगा, 3 में से आपको घटाना है कितना, 4/3 पाई, तो आप 3 में से 4/3 पाई घटाओगे, और आर क्यूब, आर की वैल्यू 1 है, तो ये तो इतना आएगा, तो ये आपका 3 × 9 में से 4, तो ये 5/3 पाई आएगा, ये 5/3 पाई आएगा, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है, 5/3 पाई आएगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच, एच कितना आया था, 3 आया था, रेडियस कितनी है, √3, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, माइनस यहां पर कितना हो जाएगा, 4/3 पाई, और इसकी रेडियस कितनी है, 1 है, तो 1 का क्यूब करोगे तो 1, तो 3 − 4/3, तो ये हो जाएगा 9 − 4, यानी कि 5/3 पाई के बराबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जब आप कॉन्सेप्चुअली इसको सोचोगे ना तो बड़ा मजा आएगा, अगर आपको डायरेक्टली अगर आपने सॉल्यूशन देखा, इसको अटेम्प्ट नहीं किया, तो उतना मजेदार नहीं रहेगा। एक इसको करने का डायरेक्ट अप्रोच इस तरह से भी है कि जैसे आप इसको ये समझ लो कि ये वॉल्यूम है, यहां से आप इसको निकालने के लिए रेडियस का फॉर्मूला कैसे लगाओगे, तो यहां पर कुछ भी नहीं मालूम है। कॉन्सेप्ट इसमें बड़ा अच्छा सा है कि आप अगर इवन इसकी रेडियस निकाल भी लो, ठीक है, यहां वाले जो आपका कोन बनेगा, उसके बाद भी कई लोग गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसका वॉल्यूम निकाल करके दे देते हैं। तो इसका वॉल्यूम अगर आप बोल रहे हो कि उतने पानी की आवश्यकता है, तो आप बोलोगे कि यहां पर जब इस स्फीयर को डाला जाएगा तो पानी तो ऊपर उठता है ना, जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी रिप्लेस कर देगा, ठीक है, तो यहां पर पानी एग्जैक्ट उतना ही चाहिए कि जब इसको डाला जाए तो इसमें फिट हो जाए, तो आप क्या बोलोगे कि इसका वॉल्यूम उसमें से घटाना पड़ेगा। एक और चीज, कई बार आपको वॉल्यूम ना दे करके अमाउंट दे देता है अलग अलग तरीके से, जैसे आपको पता है लीटर के फॉर्म में दे देता है, उसी तरह से आपको ध्यान रखना है कई बार वो किलो के फॉर्म में भी देता है कि इतने किलोग्राम उसमें, उसका शेप बताएगा कि शेप कैसा है, कॉनिकल शेप है, और उसमें बोलेगा कि 5 किलो या 27 किलो या 18 किलो आपकी आइसक्रीम है, ठीक है, तो आप उसको रिलेट किससे करोगे, उसके वॉल्यूम से रिलेट करोगे, और फाइनल आंसर भी आपको किलोग्राम में ही देना होगा, तो कन्वर्जन जो होगा वो आपको नहीं करना पड़ेगा, बस आप जो भी अमाउंट है उसको अगर दिया जाता है, आपको शेप बताया जाता है, तो शेप से आप उसको रिलेट करोगे उसके वॉल्यूम से, ये एक छोटा सा पॉइंट है जिसको ध्यान रखना। ये क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो, बिल्कुल मैं रिपीट करना ही पड़ेगा, एक बार बड़े आराम से इसको समझना। देखो क्वेश्चन एक बार पूरा बेसिक से बता रहा हूं, सबसे पहले इसमें क्या चीज पता है, क्या चीज निकल करके आएगी, कैसे कैसे करना है, एक एक चीज मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, पूरी की पूरी चीजें फिर से डिस्कस कर रहा हूं, और आराम से आप समझना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है, आपको एक ही बार में पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। देखो यहां पर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया कि एक कोन है, ठीक है, कोन में जब भी पानी भरा जाए तो कोन इस तरह से सीधा बनाना, यहाँ पे पॉइंटेड वाला, ठीक है, इसमें बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़ोगे तो शंकुआकार बर्तन है, त्रिज्या ऊंचाई दी गई है, तिरेक ऊंचाई, इस शंकु में कितने आयतन पानी की आवश्यकता होगी ताकि 1 सेंटीमीटर वाला गोला पूरी तरह से डूब जाए। तो आपने बोला 1 सेंटीमीटर वाला गोला इस तरह से यहां कहीं पे फिट हो जाएगा, तो ये पूरी तरह से डूबेगा कब, जब पानी इसके इस तरह से यहां तक भरा होगा। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, इस वाला, ये वाला जो कोन बन रहा होगा, इस कोन की रेडियस चाहिए, ठीक है, ये इस कोन की रेडियस हमें चाहिए, और इतने पार्ट की हाइट चाहिए, यही दो चीजें तो आपको चाहिए। तो इस वाले केस में आप कैसे इस क्वेश्चन को करोगे, ये देखो, तो आपने बोला कि यहां पर क्या क्या दिया गया, 3 ये इसकी रेडियस दी गई है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट कितनी, 6 दी गई है, तो आपने कहा ये 3 हो गया तो ये 6 हो गया, तो यहां से इस टोटल की हाइट कितनी आ गई, आपने कहा इस टोटल की हाइट कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, यहां पर 90 डिग्री होता है, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट में ले लोगे 27, यानी कि 3√3 के बराबर, आपने बोला ये 3√3 के बराबर टोटल हाइट आ गई, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अब आपने बोला कि ये 90 डिग्री है, और यहां पे इसके सेंटर से जब हम लोग टच कराते हैं, कोई भी आपका जो इन सर्कल होता है वो क्या होता है, उसके सेंटर से जब भी आप इस साइड्स को टच करोगे तो ये 90 डिग्री पर आएगा, हाँ अगर वो आंसर होता तो बिल्कुल गलत हो जाता, ठीक है। तो देखो आपने बोला कि यहां पर ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है, ये वाला एंगल भी 90 है, और सेंटर से जब मैं मिलाऊंगा तो ये भी एंगल 90 डिग्री हो गया,
तो अब आपने क्या कहा, आपने कहा यहां पर ये 90, ये 90, और अगर मैं इसी वाले ट्राइंगल को, किस वाले ट्राइंगल को, यहां पर ये जो ट्राइंगल है जिसको मैं रेड कर रहा हूं, इस वाले ट्राइंगल को अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो यहां पर ये वाला जो ट्राइंगल है ये इस छोटे वाले ट्राइंगल से कैसा है, सिमिलर है। तो आपने कहा ओरिजिनल जो ट्राइंगल है और ये जो छोटा सा ट्राइंगल है ये दोनों आपस में सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है तो आप क्या कर सकते हो, 90 के सामने वाली साइड्स, आपने कहा इसमें 90 के सामने कितना है, 6 है बड़े वाले ट्राइंगल में, तो छोटे वाले में 90 के सामने क्या है, आपने कहा सेंटर को O और इस पॉइंट को अगर B मानूं तो ये OB हो गया। तो आपने कहा 6/OB। अब यहां पर और कौन कौन सा एंगल है, एक तो ये वाला है, तो आपने कहा इसके सामने में देखोगे तो बड़े वाले ट्राइंगल में 3 है, छोटे वाले ट्राइंगल में ये कितना है, आपने कहा ये 1 के बराबर है, तो ये 1 हो गया। देखने में हो सकता है आपको सिमिलर ना लग रहा हो, बट ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, आप इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को करोगे बड़े आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। तो आपने बोला यहां से OB की लेंथ निकल आएगी इसके सेंटर से नीचे वाले पॉइंट तक। अगर O से B की लेंथ निकल आई कितनी आ गई, 2 के बराबर, और आपने कहा रेडियस कितनी है, 1 है, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, आपने कहा ये OB 2 आ गई, यहां पर इसकी रेडियस कितनी है, 1 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, आपने बोला टोटल आ जाएगा 2+1 यानी कि 3 के बराबर। तो आपने बोला इतने पार्ट की लेंथ आ गई 3, अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही क्या, कुछ भी नहीं बचा। अब आपने क्या बोला कि अब यहां पर एक और सिमिलैरिटी लगा देंगे, किसमें, इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में। तो यहां पर आपको देखो हाइट का रेशियो कितना है, आपने कहा 3√3 से कितना हो गया, 3 हो गया, तो ये रेशियो कितना है, √3 से 1। तो आप बोलोगे इसी तरह से रेडियस में भी कितना होगा, आपने बोला √3 से 1 का रेशियो जाएगा, यहां पर रेडियस कितनी है, 3 है, तो यहां पर रेडियस कितनी आ जाएगी, आर के बराबर, आर की वैल्यू निकाल लोगे, ये आपका आंसर कितना आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई आप सभी को, √3 से 1 का रेशियो, तो यहां से रेडियस निकल करके आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ये आपकी रेडियस आ गई √3 के बराबर, ये रेडियस आ जाएगी यहां से। किसकी रेडियस है ये, इस कोन की रेडियस है, इस कोन की रेडियस कितनी हो गई, √3। तो आपने बोला ये रेडियस √3 हो गई, तो अब आपके क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आप बोलोगे इस कोन का वॉल्यूम कैसे निकलता है, 1/3 πr², तो r कितना है, √3, और h कितना है, 3 के बराबर, तो ये इसका वॉल्यूम आ गया, माइनस कर दोगे कितना, 4/3 πr³, r की वैल्यू कितनी आ गई, 1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4/3 π के बराबर। ठीक है, 4/3 इसमें से घटा दोगे तो इतने के बराबर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ओके। और किस किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है बता दो, यस, और किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसको भी बता दो, डिस्कस कर लेते हैं। 29 में एक तो प्रॉब्लम थी, और एक बच्चे ने बोला था कि सर दो ही क्वेश्चन में प्रॉब्लम रह गई है, बाकी सब हो गए, तो वो दो क्वेश्चन ही पहले डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट के 5 क्वेश्चंस में आई थिंक हो जाएगा, है ना। चलो तो 28 क्वेश्चन क्या है आपका, फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मूला आपको बता दोगे तो आंसर अगर अटेम्प्ट किया होगा तो आ जाएगा आंसर, है ना। क्या आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, 28 क्वेश्चन क्या है, बाल्टी है आपको, हाइट दी गई है, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी हो गई, ये रेडियस आपको दी गई, त्रिज्याएं ये 7 के बराबर है, और यहां पर रेडियस कितनी है, ये 28 के बराबर है, और इसमें क्या दिया गया, ऊंचाई दी गई, ऊंचाई कितनी है, ये आपकी है 45 के बराबर। ठीक है, तो यहां से आप इसको करोगे तो ये 7 इसमें से घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 7 * 3 = 21 बच जाएगा, और यहां पर ये आपको 45 पता है तो 21 है, यहां पर देखो 7 * 3 = 7 = 15, और यहां पर कितना आ जाएगा, 7 * 3 = 21, और यहां पर है 15, कुछ और कॉमन है, तो यहां से इसकी L आप निकाल लोगे, L की वैल्यू निकल करके आ जाएगी समथिंग। ठीक है, तो L की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, उसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है, आयतन का फॉर्मूला आप लगा लेना, क्या होता है, 1/3 π और r² + r² + rr * h, तो ये आपका फॉर्मूला लगा लोगे और यही इससे सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 48510 ये इस क्वेश्चन का आंसर हो, इसमें भी 11 का मल्टीपल रहता है, तो 11 का मल्टीपल देख सकते हो, 8 और 5 कितना हो रहा है, यहां पर तो 11 का मल्टीपल नहीं है, यहां पर देखोगे तो 1 ये कितना हो गया, 5 हो गया, और 8 और 5 तो ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, इसको भी देखोगे तो 5 और 6 = 8 और 4 = 12, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं, एक ही ऑप्शन है जो 11 का मल्टीपल, 11 के मल्टीपल से ही चले जाओ, ये भी इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये आपका है लंबवृत्ताकार शंकु के छिन्नक का, ठीक है, पार्श्व सतह का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है, जिसके आधार का क्षेत्रफल कितना है, आधार का क्षेत्रफल आपको बोल रहा है 16 π है, तो आपको यहां से एक तरह से रेडियस दे रहा है, ये कितनी है, 4 है,
और वृत्ताकार ऊपरी सतह का व्यास दे रहा है कितना है, 4 है, तो आपने कहा रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। और क्या दे रहा है, तिरछी ऊंचाई कितनी है, 6 के बराबर, तो आपने कहा ये 6 के बराबर है, तो यहां से देखेंगे तो ये भी 2 आ जाएगा, ये 6 है, तो 1 और 3 है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, 2√2, तो ये आपका आ जाएगा 2√2 × 2, तो ये हो जाएगा 4√2 के बराबर, तो ये 4√2 आ जाएगा आपकी हाइट। और इसको भी आप सॉल्व कर लोगे, फॉर्मूला किसका लगेगा, पार्श्व सतह का क्षेत्रफल आपको बताना है, इसका कर्व्ड लेटरल सरफेस एरिया आपको बताना है, तो सिर्फ और सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहा है, पाई आर एल, एल की वैल्यू आपको गिवेन है, पाई और आर, आर ये आ जाएगा आपका कितना, R+R/2, ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा। हाँ कैसे भी कर सकते हो, इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करना, ठीक है, 36π फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन, फटाफट इनका आंसर निकाल लेना, 36π आ रहा है, सॉल्व कर लेना अगर नहीं किया है तो, फॉर्मूले पे बेस्ड है क्वेश्चंस हैं, इनको कैलकुलेशन इसकी स्किप करके और बाकी क्वेश्चंस को कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, 26 में कुछ प्रॉब्लम है क्या, 26 भी एक बच्चे ने बोला है 26 नहीं आ रहा है, ये भी फॉर्मूले पे ही बेस्ड है ये क्वेश्चन भी, R+R/L, ठीक है। यस, देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बोल रहा है 90 सेंटीमीटर त्रिज्या और ऊंचाई कितनी है, 120 सेंटीमीटर वाला एक शंकु है, ठीक है, 90 सेंटीमीटर क्या है, त्रिज्या है, और ऊंचाई कितनी है, 120 है, इस तरह से एक आपके पास शंकु है, तो आपने बोला ओके नो प्रॉब्लम, यहां तक तो ठीक है। इसे आधार से समांतर दो कटाव से तीन भागों में इस प्रकार काटा जाता है कि तीनों भागों की ऊंचाई ऊपर से नीचे की ओर 1, 2, 3 रहती है, तो आप बोलोगे कि ये इक्वल इक्वल हाइट्स पे है, 1, 1 और 1, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मध्य भाग का आपको क्षेत्रफल बताना है, मध्य भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, देखो आपने बोला जिस रेशियो में हाइट होती है उसी रेशियो में आपके रेडियस भी रहती है, आपने बोला 1, 1, 1 है, या फिर ये जैसे क्वेश्चन में दिया गया 1 और ये दिया गया 2, ये दिया गया 3, तो आपने बोला 3 की रेडियस कितनी है, 90 है, तो 2 की रेडियस 60 हो जाएगी, और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी 30 के बराबर, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, मध्य भाग का क्षेत्रफल, यानी कि इसका आपको क्षेत्रफल बताना है, नो प्रॉब्लम, आपने बोला टोटल ये कितनी है, 120 है, ये 90 है, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, इसकी स्लैंट हाइट, तो आपने बोला ये 150 होगी कि नहीं, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो अगर ये 150 है, तो आपने बोला टोटल 150 है, तो यहां तक कितनी होगी, तो 2 की वैल्यू निकाल लोगे, 3 से डिवाइड करोगे 50, तो ये 100 होगी, और इसके कितनी होगी, इसकी 50 हो जाएगी, तो सिर्फ इतने पार्ट की, अगर मैं इस वाली बाल्टी को निकालूंगा, तो ये वाली बाल्टी, या फिर इसको फ्रस्टम बोलूं, तो ये 50 होगी, इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, 30, इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, इसकी रेडियस आ जाएगी 60, और बाकी का क्वेश्चन क्या आप कर सकते हो, इसकी हाइट कितनी आ जाएगी, इसकी हाइट टोटल कितनी थी, 120 थी, तो 120 को 40 40 आ जाएगी, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी 40, ठीक है, तो यहां से आप देखोगे तो ये 4 और ये 3, तो ये सेटिस्फाई भी पूरा पूरा करेगा, ठीक है, तो ये आपका 30 आ गया, ये 60 आ गया, ये 40 आ गया, कुछ बच रहा है क्या इस क्वेश्चन में, हो गया ये क्वेश्चन, अभी कुछ बताना है इसके बावजूद, इसमें कुछ डिस्कस करना है क्या, इसको सॉल्व करना है पूरा, किस बच्चे को इसमें प्रॉब्लम थी, इसको सॉल्व करना है पूरा क्या, देखो पाई आर प्लस आर एल ये आपका क्या हो जाएगा, लेटरल, तो R प्लस आर करोगे तो ये हो जाएगा 90, इंटू एल करोगे तो ये आ जाएगा 50, ठीक है, तो पाई R प्लस आर एल ये लेटरल हो गया, और इसके बाद क्या करना होगा, पाई आर स्क्वायर, तो ऊपर वाले का कितना आ जाएगा 900, पाई आर स्क्वायर ऊपर वाले का, और पाई आर स्क्वायर नीचे वाले का भी, तो ये कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 3600, तो ये हो जाएगा 3600 पाई, ये आपको पूरा का पूरा इसको सम कर लोगे, ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4500 यहाँ पर, और ये हो जाएगी 36 और 45, तो 45 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 90, तो 900 पाई अप्रोक्स इसका आंसर आएगा, कुछ एग्जैक्ट आंसर इसका शायद नहीं आ रहा होगा क्या, 26 का बी पार्ट आ रहा है, 16500 आ रहा है ना, ठीक है,
ओके चलो, तो इसको भी सॉल्व करना, बाकी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या है और कैसे इसको करना है ये भी देख लो। ये वाला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, एक लंबवृत्ति शंकु है, उसके वृत्तीय आधार की त्रिज्या कितनी है, ये आपको दी गई है। शंकु के छिन्नक का आयतन दिया गया 44, छिन्नक के ऊपरी वृत्तीय पृष्ठ की त्रिज्या है, आपको उसकी त्रिज्या बतानी है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अच्छा, एक लंबवृत्ति शंकु हो, उसकी ऊंचाई और आधार की त्रिज्या, ठीक है, ऊंचाई कितनी है आपने बोला ये 9 है, त्रिज्या कितनी है ये आपने बोला 3 है, और इसको क्या किया जाता है, शंकु को उसके आधार के समांतर एक तल द्वारा दो भागों में काटा जाता है, ठीक है, किस तरह से काटा जाता है ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। आगे बोल रहा है शंकु के छिन्नक अर्थात नीचे वाले का आयतन दिया गया, ठीक है, तो नीचे वाले का आयतन अब आपको दे दिया गया। इस वाले क्वेश्चन को कैसे करोगे, 44 घन सेंटीमीटर है, तो यहां पर इसकी रेडियस है, इस स्मॉल आर की रेडियस आपको नहीं पता है, ओवरऑल आयतन दिया गया 44 है, ठीक है, और h आपको h भी इसी के रेशियो में निकल करके आएगा, अगर ये 3 है तो ये r है, तो ये 9 है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको कुछ h मान लेता हूं, ठीक है, या इसको h मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 माइनस h आएगा, ठीक है। और क्या दिया, शंकु के छिन्नक का आयतन दिया गया, तो इस वाले केस में ये आपका h और r में एक रिलेशन आ जाएगा, 3 अपॉन में r, ये किसके बराबर होगा, 9 अपॉन में किसके, 9 माइनस एच के, तो यहां से आर और एच में ये रिलेशन आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 माइनस एच, तो यहां से एच की वैल्यू आप इसके आर के फॉर्म में रिप्लेस कर सकते हो, 9 माइनस 3R, या फिर आर की वैल्यू को एच के फॉर्म में 3 माइनस एच बाई 3 इस तरह से रिप्लेस करना पड़ेगा। ये तो काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो जाएगा। ऊपरी वक्री वृत्ति पृष्ठ की त्रिज्या आर की वैल्यू आपको निकालनी, तो आप यहां पर h को r के फॉर्म में लिख देना, 9 माइनस 3r, और इसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो 1 बाई 3 पाई r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9, और यहां पर r स्क्वायर करोगे तो इसको r स्क्वायर ही रखते हैं, प्लस rr, तो ये हो जाएगा 3r, और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करोगे h से, ये हो जाएगा 9 माइनस 3r के बराबर, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी दे रहा है, 22/7 इसको रख दो, तो ये 22/7 22 से कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और 7 का गुणा 3 से करोगे तो 21 आ जाएगा, तो यहां पर ये आ जाएगा 42, ठीक है। इतने पार्ट की वैल्यू आ जाएगी, 9 प्लस आर स्क्वायर प्लस 3R मल्टीप्लाइड विथ 9 माइनस 3R, ये आपका 42 आ रहा है, 3 से कट जाएगा, आई थिंक 3 माइनस आर, और ये 9 प्लस आर स्क्वायर प्लस 3R, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 3 से काट दोगे तो ये 14 के बराबर आ रहा है। अब आप ऑप्शंस के थ्रू चाहो तो पुट कर सकते हो इसको, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का फॉर्म बन रहा है क्या, तो ये तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का फॉर्म बन रहा है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 14 के बराबर, और r क्यूब इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा 13, तो क्यूब रूट में 13 के बराबर ये इसकी रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, क्यूब रूट 13 आ जाएगा, ओके, तो ये क्यूब रूट 13 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 25th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी पार्ट, क्यूब रूट 13। 25 क्वेश्चन में डाउट था, अभी क्लियर हो गया। आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, एकदम ऐसा नहीं होगा कि ये क्वेश्चन, हालांकि देखो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में नहीं पूछा गया प्रीवियस ईयर, बट ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो मे बी आने वाले टाइम पे पूछे जाएं, तो इस वजह से थोड़ा सा आप लोग इसको देख लो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, आपको थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 1/3 पाई फॉर्मूला रख दिया स्मॉल आर के टर्म में सब कुछ, क्योंकि स्मॉल आर पूछा जा रहा है, उसको देखते ही आंसर आ जाए, इस वजह से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, और फाइनली आपका कितना आ जाएगा, क्यूब रूट 13 के बराबर, ठीक है। 25 समझ में आ गया, चलो फिर और पीछे चलते हैं, 24 पे आ जाते हैं। इसके बाद अगर तुम लोगों ने अटेम्प्ट किया हो तो बता दो, जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा उस क्वेश्चन को पिक कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। 25th क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बाकी बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव इसको नहीं बोलेंगे, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक शंकु की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है, इसे आधार से 15 सेंटीमीटर ऊपर एक तल के द्वारा इस तरह से कट किया जाता है, ठीक है। आपने आधार से 15, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, और आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इसके आधार से समांतर काटा जाता है, यदि छोटे शंकु का आयतन कितना है, इस वाले का आयतन आपको दे रहा है, ओके। अब आपको बताना है मूल शंकु का आयतन
टोटल का आयतन बताना है। तो ये क्वेश्चन आप रेशियो से, ये वाले क्वेश्चन रेशियो से बड़े आसानी से कर सकते हो। कैसे करोगे? देखो यहां पर आपको इसकी लेंथ कितनी है, अगर मैं रेशियो देखूंगा तो दो और एक का है, तो अगर मैं यहां से रेशियो देखूंगा तो ये दो है, तो टोटल का रेशियो देखूंगा तो ये कितना है, तीन है। तो आपने बोला जो कर्व्ड सरफेस होता है वो स्क्वायर्स के फॉर्म में यानी कि चार और इसका स्क्वायर टोटल नौ के फॉर्म में वर्क करता है, और जो वॉल्यूम होता है वो क्यूब के रेशियो में रहता है, दो का क्यूब आठ और तीन का क्यूब सत्ताईस के रेशियो में। आपको आठ की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, यानी इसका वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया गया है आपसे, किसका, ओरिजिनल वाले मूल शंकु का आयतन क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। तो आपने बोला कि यहां पर आठ की वैल्यू कितनी है, 18480, ये आठ की वैल्यू है 18480, तो आपको किसका मूल शंकु का बताना है, तो ये आ जाएगा 27 की वैल्यू आपको निकालनी है। आठ से काट दोगे बड़े आसानी से कट भी जाएगा, आठ दूनी 16, यहां पे बचेगा दो, आठ तीन 24, ये आठ एकम आठ, तो 231 हो गया, 27 से गुणा कर दोगे। अच्छा देखो 27 से गुणा कर रहे हो तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, देखो 6 3 9 5 4 9 ये हो सकता है, 6 और 6 12 और 1 13 ये नहीं होगा, 6 3 9 7 2 9 ये भी हो सकता है, आपने बोला 6 और 3 9 9 ये नहीं हो सकता, दो ऑप्शंस बचे, यूनिट डिजिट चेक कर लो, 7 का गुणा 1 में करोगे 7 आएगा, एक ही पार्ट है लास्ट पार्ट जो कि करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हाँ बहुत अच्छे सतीश, वेरी नाइस, रेशियो से ही आप क्वेश्चन को कर सकते हो और इजिली आपका होता चला जाएगा। इसके बाद किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं है, तो फिर आंसर चलो बताते चलो। 23rd का आंसर क्या आया, 23rd क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको तो बता देता हूँ। वॉल्यूम, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने इक्वल नहीं देखा होगा, जैसे कट होता है तो वॉल्यूम इक्वल कहाँ है, हम लोग को हाइट इक्वल वगैरह देखते हैं। अब देखो अगर वॉल्यूम इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, इसका वॉल्यूम 1 है तो इस वाले पार्ट का भी वॉल्यूम कितना है, 1 है। तो आप कैसे देखते हो, ऊपर से देखते हो, तो आपने कहा अगर इसका वॉल्यूम 1 है तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया, 2 हो गया। तो इनको किस हाइट में आप ब्रेक करोगे, तो आपने बोला अगर ये 1 वॉल्यूम है तो इसका क्यूब रूट लेंगे 1, और इसका क्यूब रूट लेंगे कितना, क्यूब रूट में 2 आ जाएगा। तो इसकी हाइट कितनी आई, 1, और टोटल की हाइट कितनी आई, ये क्यूब रूट में 2 आई। तो आपको पूछा किस अनुपात में विभाजित किया जाए ऊंचाई को, ऊंचाई को किस अनुपात में विभाजित करोगे, 1:1 यहां पर इस वाली लेंथ को देखोगे तो कितना आ जाएगा, क्यूब रूट 2-1 के बराबर, ठीक है। तो 1:(cube√2-1) ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। 23rd क्वेश्चन में भी किसी को अगर डाउट नहीं है तो भाई तुम लोगों ने मास्टरी कर ली है फ्रस्टम और कोन में, इससे ज्यादा इसमें कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी क्वेश्चन का आंसर बताओ, 22th का आंसर क्या आ रहा है, बोला एक शंकु की ऊंचाई 30 है, एक छोटा शंकु तल के समांतर शीर्ष पर काटा जाता है, इसका आयतन अगर 1/27 है, 27 से 1 आया तो आप हाइट क्या बोलोगे, टोटल की अगर 3 है तो ऊपर वाले की 1 आएगी, बचे हुए पार्ट की 2 होगी, टोटल की ऊंचाई कितनी है, आपने बोला 30 है, तो आपको क्या बोला, तल में कितनी ऊंचाई पर काटा गया, नीचे में 10 आएगा, तो ऊपर में आप क्या बोलोगे, तल से देख रहा है ऊपर में 10 आएगा, नीचे से कितने से काटा जाएगा, 20 से काटा जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना, ये तो देखते ही हो जाएगा, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं आई होगी। अगले क्वेश्चन में भी देख लो, 21 में क्या आ रहा है, किस किस रेशियो में काटा जा रहा है, 3 भागों में काटा गया है, कटाव से 7-14 की ऊंचाई पर है, तो 7 और 14 मतलब 1:1 में आ गया। तो बोल रहा है ऊपरी मध्य तथा निचले भागों के वक्र पृष्ठी का अनुपात, तो वक्र पृष्ठ का अनुपात कैसे लेते हो, इन दोनों को जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, और इन तीनों को जब आप जोड़ोगे तब भी परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, तो यहां पर ऐसे कर सकते हो, या फिर 1, 2 और 3 का फॉर्म है तो ये अपने का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 4, और यहाँ पर कितना आएगा 9, 4 में से 1 घटा दोगे तो ये 3, 9 में से 4 घटाओगे तो 5, 1:3:5 का रेशियो होना चाहिए, 1:3:5, ये बी पार्ट इसका आंसर हो गया। तो देखते ही क्वेश्चंस हैं आसान एकदम, डायरेक्ट तरीके से करोगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, शंकु को उसके अक्ष के मध्य बिंदु से समतल 2 भागों में खींचा गया, शंकु के दोनों भागों का आयतन, तो आपने बोला अगर 1 का इतना होगा तो 2 का 8 हो जाएगा, 1 कम कर दोगे तो 7, ये इसका आंसर आ जाएगा। 20th का सी पार्ट आएगा, आ रहे हैं ना, इतने ही फास्ट आंसर्स आ रहे हैं आप सभी के, ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं है और इनमें टाइम भी नहीं देना चाहिए ज्यादा। 20th का सी पार्ट आंसर आना चाहिए, क्योंकि कोन और ये आपका जो भी पार्ट है, सिलेंडर कोन स्फेयर है ना, ये पार्ट इजीएस्ट है आपके, मेंस्ट्रुएशन अपने आप में इजी है, बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट या क्रिटिकल सा एक आध फिगर ही आपके क्वेश्चन में बन सकता है, अगर 10 से 12 क्वेश्चन बनेंगे तो एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें वो थोड़ा सा फंसाएगा, बाकी सारे क्वेश्चन आसान ही होंगे और बहुत आसान होंगे। अगर आप 17 के पेपर से कंपेयर करोगे तो बहुत आसान पेपर आपको मिलने वाला है, अच्छे से अटेम्प्ट करना, ठीक है।
चलो अगला क्वेश्चन क्या है, 15√2 और ऊंचाई 20 है, आपको बोला है एक शंकु से अधिकतम भुजा वाला एक घन काटा जाता है। अब घन काटा जाएगा तो अब आपको ये चीज पता है कि जब भी घन काटेंगे इस तरह से तो यहां पर क्या होगा। ये क्वेश्चन दो बार मैंने कराया, एक बार जब घन पढ़ाया तब, एक बार जब कोण पढ़ा रहा हूं तब, दोनों में आपको ये क्वेश्चन कराया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। कुछ नया अगर बनेगा तो यही बन सकता है। तो इसकी हाइट जो होगी, या आप बोलोगे कि घन की जो साइड होगी वो कितनी आएगी, √2RH अपॉन में √2R+H, ये फॉर्मूला जो कि डेराइव भी करके आपको दिखाया था दो बार। ओके, तो आप बोलोगे आर की वैल्यू कितनी है, 15√2 मल्टीप्लाई करोगे 15 × 30 गुणे एच कितना है 20, बटे में भी आ जाएगा 30 + 20, तो ये वैल्यू सॉल्व करने पर आ गई 12 के बराबर। तो साइड अगर 12 है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 12 का क्यूब दैट इज 1728। 19 का ए पार्ट आंसर आ गया, 18th पे आ जाओ, इसका आंसर बता दो। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, अधिकतम आयतन वाला एक गोला काटा जाता है एच ऊंचाई और शंकु के अंदर रखा गया है, शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है, h/√3 है। अब गोले और शंकु के आयतन का अनुपात बताना है, कितना अनुपात आ जाएगा, गोले का आपको रेडियस निकालना है, जैसे ही आप गोले की रेडियस निकालोगे वो कितनी आ जाएगी, h/√3 या h/3, रेडियस आप निकालोगे जैसे ही h/√3 या 3 आ जाएगी, देन आपका क्वेश्चन हो जाएगा। 18th का आंसर कितने बच्चों का आ रहा है, ए पार्ट आ रहा है, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन भी करेक्ट है। आपने बोला आयतन है h ऊंचाई का शंकु है और ये कितनी है h/√3 है, तो ये h है तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2h/√3, ठीक है, ये 2h/√3 आ जाएगा, 1 + 1/3 4/3, रूट करोगे तो 2/3, स्क्वायर रूट के अंदर में जाएगा 2/√3h, ठीक है। और अब आपको क्या बोल रहा है इसका, अब आपको बताना है क्या, ये अगर मैक्सिमम साइज का रखा जाता है शंकु के अंदर में गोला, तो इसकी रेडियस निकाल लो, और जैसे ही आपने इसकी रेडियस निकाली है उसके बाद क्वेश्चन कुछ बचेगा ही नहीं। आपको बोल रहा है इसका आयतन तो 4/3 π r³ और अपॉन में बड़े वाले का आयतन तो ये 1/3 π, और ये इसकी रेडियस कितनी है h अपॉन में √3 इसका स्क्वायर इंटू h इसके बराबर है। सॉल्व करोगे 1/3 π से 1/3 π कट जाएगा, इसकी वैल्यू भर आप निकालोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में भी, ठीक है। तो 10, 27, 18th का, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 17 का आंसर बता दो। खोखला शंकु है उसके आधार की त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, सबसे बड़ी त्रिज्या वाला एक गोला उस शंकु में डाला जाता है, फिर से वही है मैक्सिमम साइज का क्या डाल रहे हैं, गोला डाल रहे हैं शंकु के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, इस शंकु में मैक्सिमम साइज का गोला डाला जाता है, शंकु के आधार की त्रिज्या का गोले की त्रिज्या से अनुपात बताओ। तो आप निकाल लोगे आधार की त्रिज्या कितनी, आपने कहा हाइट उसकी है 15 और रेडियस कितनी है 8 है, ठीक है, तो ये आपको दिया गया है 8 के बराबर और ये है 15, तो ये कितना हो जाएगा 17। तो यहां से आप उसकी रेडियस निकालोगे, किसकी, गोले की रेडियस कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी समथिंग कितनी आ जाएगी, आपको शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है 8 है और इसका रेशियो लेना है किससे, गोले की त्रिज्या से, तो कितना आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर, देख लो आपको 5:3 आ जाएगा। चलो इसको भी सॉल्व करना, बेसिक क्वेश्चन है आपका, सिर्फ और सिर्फ इसकी रेडियस निकालनी है। रेडियस निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप सिमिलैरिटी वाले कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, या फिर आप कौन सा तरीका, आर अपॉन एस, क्योंकि ये आपका क्या है एक ट्राइंगल के अंदर में मैक्सिमम साइज का इन सर्कल ही हो गया है, ट्राइंगल में सर्कल, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा कितना, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा अपॉन एस, या तो उससे निकाल लो या फिर आप सर्कम रेडियस निकाल लो, ठीक है, दोनों तरीके हैं, सर्कम रेडियस से या फिर आप सिमिलैरिटी से कर लो, दोनों तरीकों से आपका आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है एक ठोस शंकु को जिसका आयतन कितना है 27 π है, उसकी त्रिज्या के, उसकी बराबर के त्रिज्या और ऊंचाई वाले खोखले बेलन में रखा जाता है। ये क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान है, खोखले बेलन में जब भी इसको रखा गया तो ये क्वेश्चन बहुत आसान बनता है। बोले दोनों के बीच रिक्त स्थान को भरने के लिए क्या बताना है, पानी का आयतन। आपने बोला इसका जो आयतन होता है ये 1/3 होता है और ये 2/3 होता है, तो यहां पे इसका वॉल्यूम दिया गया है, इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, इसका जस्ट डबल कर दोगे, 27 × 54 ये आंसर हो जाएगा, 4.8 आ रहा है, या फिर 16/5 तो कट जाएगा, अच्छा ठीक है 54 π। ये क्वेश्चन तो एकदम आसान है 16वां। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। एक लंबवृत्ती शंकु है, उसकी ऊंचाई कितनी है, 3.6 है, और आधार की त्रिज्या कितनी है, 1.6 है। उसे पिघला करके 1.2 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले लंबवृत्ती शंकु में ढाला जाता है। ये क्वेश्चन तो बड़े आसान होते हैं, जब भी इनको ढाला जाएगा तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। बता दो भाई जरा आंसर क्या क्या आएगा इसका। A2 राजपूत क्या बोल रहे हैं, SSC का नोटिस आया है ऐसा क्या, SSC न्यूज तुम दे रहे हो है? चलो यार चेक कर लेते हैं तुम्हारी न्यूज को। तुमने वेबसाइट पे चेक किया या फिर ऐसे ही कहीं घूमते घूमते मिली है तुम्हें न्यूज ये? अरे वाह, तो सही न्यूज है यार, क्या बात है। ओए होए होए होए, बहुत अच्छे। टीयर थ्री कहाँ है यार, ऐसी न्यूज तो नहीं है तो टीयर थ्री की है। उनका खेल रहे हो क्या हम लोगों के साथ? A2 राजपूत वेबसाइट पे तो नहीं है यार, मेरी वेबसाइट पे तो नहीं खुल रहा है। कौन सी वेबसाइट तुमने खोली है, ssc.nic.in ही तो खोली है ना? एकदम स्पीड में चल रहे हो, बिल्कुल दिख तो नहीं रहा मुझे। तुम एक काम करो, मेरा नंबर है ना तुम्हारे पास, नोटिस की जो PDF होती है उसको डाउनलोड करके भेजो मुझे। 2019 टीयर टू, तुम एक काम करो जरा उसको डाउनलोड करो, इस नंबर पे भेजो मुझे। तुम क्लास बाद में देखना क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा ना तो फिर जैसे मैं प्लानिंग थोड़ा बहुत कर रहा हूँ वैसे कर पाऊंगा, वरना तो फिर मैं डिस्टर्ब ज्यादा हो जा रहा हूँ कि डेट तक एग्जाम के। टेलीग्राम पे भेज दो, कहीं भी भेज दो, इस नंबर पे भेजो, किसी भी जगह पे भेज दो, दोनों एक्टिव है ठीक है, इस पे भेजो। बाकी बच्चे इसका आंसर बताओ, 1.6 से 3.6 से पिघला करके कितना आ जाएगा, 6.4 आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है 6.4। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 7.2 सेंटीमीटर ऊंचाई है, शंकु है, पिघला करके क्या बनाया जा रहा है, बेलन बनाया जा रहा है, बेलन के व्यास बताना है ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा उसका डबल करना मत भूलना। तो आंसर आई थिंक 3.2 बाई 2 आएगा, तो आंसर में 3.2 हो जाएगा, डबल करोगे तो 3.2 के बराबर हो जाएगा। देखो ये 14th क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3.2 आ जाएगा, चेक कर लो, सभी का आंसर आ रहा है 3.2 14th का। सॉल्व किया है ना सारे क्वेश्चंस, नहीं किया हो तो भी कर लेना, अगर प्रॉब्लम आएगी तो मैं नेक्स्ट क्लास में भी इसको डिस्कस कर दूंगा ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया 14, तो फटाफट आंसर्स बाकी क्वेश्चंस का भी दे दो। एक शंकु तंबू का आयतन दिया गया है 1232। अच्छा कुछ नंबर्स भी, अब आप लोग जब इतने सारे कैलकुलेशन कर चुके हो तो आप लोगों को नंबर्स कुछ कुछ याद रहने लग गए हैं कि नहीं। 77 × 3 जब करते हैं तो 231 होता है, 154 × 8 करते हैं तो 1232 आता है। तो ये सब नंबर्स मुझे तो यार याद से हो गए, मतलब एकदम ऐसा कई बार होता है ऐसे देखो तो नंबर्स रिपीट होने लगता है, ऐसे ये नंबर दिखता है ना तो सीधे से ऐसे दिखता है 154 × 8। और इससे और क्या निकल के आता है कि रेडियस या तो 7 ले लो और हाइट ले लो 24, ये आ जाता है। और इससे एल की वैल्यू भी कितनी आ जाती है, 25 आ जाती है। ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। भेज दिया, अच्छा भाई देखता हूं, कई बार क्या होता है SSC कई जगहों खुलता है कई जगहों पे नहीं खुलता है। अरे यार ये तो है लेकिन ये मेरे में क्यों नहीं शो कर रहा है। ओके ठीक है भाई, JEE का है, CGL 2019 का शेड्यूल जो था वो 2 से 5 था, ये 15 से 18 हो रहा है। ओके तो बहुत दिनों का तो नहीं है, 10 दिन का लेकिन अंतर है, तो 10 दिनों का भी अंतर है तो अपने लिए बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, ये तो गुड न्यूज़ है एकदम। क्योंकि देखो 1 महीने का टाइम लगभग चाहिए होता है रिविजन कराने के लिए प्रॉपर वे में और मॉक टेस्ट वगैरह अच्छे से दिलाने के लिए, तो हम लोगों के अकॉर्डिंग ही चल रहा है SSC। अभी बोल रहे अभी तुम्हारा मेंसुरेशन खत्म हुआ है, 1-2 वीक और लगेगा ज्योमेट्री में, तो थोड़ा तुम टाइम ले लो। इस वीक मेंसुरेशन कंप्लीट करने ही वाला था मैं, तो मेंसुरेशन तो इसी वीक कंप्लीट हो जाएगा आराम से, अब ज्योमेट्री में 2 वीक में बढ़िया से तुम्हें करा दूंगा। हाँ अभिषेक आ गया तुम्हारा मैसेज, मैंने चेक कर लिया, बहुत बढ़िया यार, इससे बढ़िया तो गुड न्यूज क्या ही हो सकती है, सही है ठीक है।
चलो तो फिर ये तो गुड न्यूज है यार, थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा। मेरे लिए गुड न्यूज है, तुम्हारे लिए मैं भी ना हूं तुम्हें और पढ़ने का मौका मिल रहा है, तुम और अच्छे से पढ़ लो, बचे हुए टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर लो। ये वाला क्वेश्चन देखो, उपलब्ध कैनवास है, आप पहले इसका वॉल्यूम निकाल लो, ठीक है? पाई आर एल करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 550। इस वाले केस में जो कपड़े का वॉल्यूम आता है वो पाई आर एल कितना आता है? हाँ यार बढ़िया से करा देंगे, चिंता नहीं है। तो ये आ जाता है 550। आपको लेंथ इनटू विड्थ पूछना चाह रहा है, अगर चौड़ाई 2 है तो लेंथ कितनी आ जाएगी, 2 से डिवाइड कर दोगे, ये हो जाएगा 275 के बराबर, ठीक है? देखो मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूँ, एक अच्छी शीट बना सकता हूँ जिसमें सारे अच्छे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग रिलेवेंट हैं पूछे जा सकते हैं वो डिस्कस कर सकता हूँ, ठीक है? लेकिन मैं इसको सॉल्व करूंगा या आपके लिए सॉल्व करा भी दूंगा, उससे बेनिफिट नहीं होगा। मैं आपको जो भी चीजें दूं आप सॉल्व कर लो, जितना ज्यादा से ज्यादा आप सॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा आपको क्लासेस से बेनिफिट होगा, ठीक है? और जब कॉन्सेप्ट वाली क्लास होगी उसमें आपको थोड़ा सा अटेंटिव रह करके देखना है, अटेंटिव रह करके सुनना है, तो आपको चीजें और सीखने को भी मिल जाएंगी। तो जब भी आपकी कॉन्सेप्ट वाली क्लास हो तब आप एकदम रेडी रहो, और जब भी ये क्लासेस मैं आपको देता हूँ रेगुलर वाली, तो इनको आप अटेम्प्ट करो, खूब ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करोगे तब आपको बढ़िया से मजा भी आएगा और चीजें और ज्यादा से ज्यादा आपके दिमाग में भी बैठती जाएंगी, ठीक है? CHSL का भी प्रिपरेशन, ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। आपको फॉर्मूला जैसे जैसे पुट करते जाओगे, वॉल्यूम का, हाइट का, यहाँ पर ये इसका क्या है वक्र पृष्ठ है यानी पाई आर एल है, इसको सॉल्व करोगे दो आपके सेम बन जाएंगे, काट करके देखना तो एक एल स्क्वायर की वैल्यू माइनस एच स्क्वायर होगा तो वो आर स्क्वायर के बराबर ही आ जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा कुछ सॉल्व करोगे तो आपका एक अच्छा सा फॉर्मेट बन जाएगा, दोनों सेम आ जाएंगे, 0 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और बाकी इसको करने के लिए और भी तरीके रहते हैं, आप एक बेसिक सा कुछ मान सकते हो, कोई एक आपका ये क्या है शंकु के लिए है ना, तो शंकु के लिए कुछ बढ़िया बढ़िया से रेडियस मान लो, रेडियस अगर 1 हो जाए, या फिर इस केस में कितना 3, 4 और 5 मान लें, इस तरह से भी कर सकते हो कि वैल्यूज निकाल लो। बाकी डायरेक्टली करने में ज्यादा आसान हो जाता है, आसानी से इसका आंसर आ जाता है, ये किया जा सकता है और भी अगर तरीके जानना चाहो तो। ये वाला क्वेश्चन वही वाला क्वेश्चन है, आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, आपकी जब भी ऊंचाई 24 हो यहां से रेडियस कितनी आ जाएगी 7, 7, 24, 25 का बनेगा, तो आपका जो टोटल वक्र पृष्ठ चाहिए होता है वो 550 ही होता है, ठीक है? हाँ लेकिन तुम्हें बताऊं एक बात सतीश, क्या होता है देखो ये तो बात सही है कि जब तक एग्जाम नहीं होता है तब तक बहुत सारे बच्चे सब बोलते हैं कि यार गुड न्यूज मिलेगी सर, पार्टी करेंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन में ये थोड़ा सा अंतर आ जाता है। जैसे ऑफलाइन में बच्चे का कहीं भी सिलेक्शन हो जाए आता जरूर है पास में एकदम कि सर ऐसा हो गया, अब जहां बोलो जहां जैसे बोलो चलो पार्टी करते हैं, तो फिर लेकर के तो वो जाते हैं और मस्त हम लोग एंजॉय भी कर लेते हैं। ऑनलाइन में ऐसा हो जाता है कि यार सब दूर दूर है, कोई तमिलनाडु में है, कहीं पे पोस्टिंग हो गई बैंगलोर में, तो ना तो मिल पाते हैं ना ही वो कांटेक्ट करते हैं कि अरे कांटेक्ट करूंगा अभी तो क्या बोलूंगा, ये सब चीजें सोचते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे जो बहुत बाद में 1-8 साल बाद मैसेज करते हैं। जैसे कि जब मैं बीच में भोपाल में था तो 5 स्टूडेंट्स थे मेरे पास, उनको पर्सनल ऐसे कोचिंग दे रहा था फ्री में, अच्छे बच्चे थे, तो उनमें से 3 का सिलेक्शन हो गया था सीजीएल में और उन्होंने बताया तक नहीं। रीजन ये था कि अच्छी पोस्ट नहीं मिली थी, तो उन्होंने बोला सर ये अच्छी पोस्ट नहीं थी, अच्छी पोस्ट मिलती तो बताते। तो मैंने बोला कि यार कई ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कुछ भी नहीं मिल पाता है तब भी वो कितना मेहनत करते रहते हैं पढ़ते रहते हैं, तुम्हें कुछ मिल गया तब भी तुम्हें उसकी वैल्यू नहीं हो रही, तो मिल जाए उसको अच्छा नहीं मिला तो कोई बात नहीं आगे के लिए पढ़ते रहना, बट मिल गया बताओ तो, क्योंकि मुझे खुशी होती है कि यार कुछ तो रिजल्ट निकल करके आया, अच्छा रिजल्ट निकला। तो इन्फॉर्म करो, अपना कॉन्टैक्ट में रहो, जितना ज्यादा कॉन्टैक्ट में रहोगे उतना अच्छा लगता है। तुम लोग बताते हो कि क्लासेस सर कैसी जा रही हैं, अच्छी जा रही हैं, बढ़िया चल रहा है, ये भी चीजें कुछ नया सीखने को मिल रहा है, जैसे अरिथमेटिक में नया खूब खूब सीखने को मिल रहा है, एडवांस में ज्यादातर चीजें या तो डिफिकल्ट लगने लगती हैं या फिर कुछ नया नहीं लगता है, क्योंकि जब पढ़ रखा होता है हर चीज, और मैक्सिमम बुक्स में है भी थोड़ा बहुत तरीके में ही अंतर आता है, ठीक है? तो जो भी है जैसा भी है क्लासेस का रिव्यू तुम लोग देते रहा करो तो अच्छा लगता है मुझे भी, और फिर मेहनत करने का मन करता है कुछ और नया दमदार एकदम किया जाए, ठीक है? मोहित कुमार डेट चेंज हो गई, बिल्कुल यार डेट चेंज हो गई है, तो बढ़िया है, गुड न्यूज है, खूब सारी गुड न्यूज आ रही है, एक से बढ़कर एक गुड न्यूज मिल रही है और बच्चे हमें तो यहीं पे ही गुड न्यूज मिल गई थी चलो।
तो अगले क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट, इस आज की क्लास को तो ऐसे ही खत्म कर देते हैं। 1/h² 1/r² इसका आंसर 1/9 आ रहा है क्या? 1/9। चलो अगले क्वेश्चन को देखो, 816.4 है। यहां पर क्वेश्चन ये अच्छा है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगेगा बट है नहीं, ठीक है। पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एल। तो यहां पर एल कितना है आपका, इसकी वैल्यू है 816.4 और पाई कितना है 3.14। दशमलव हटाओगे तो यहाँ एक जीरो आ जाएगा। आर और एल का आपको रेशियो दिया गया 5, 12, 13, तो आपने बोला ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 हो जाएगा। तो 5 और 13 यानी कि 65x² इसकी वैल्यू आपको दी गई है। यहां पर सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, आपने कहा 314 है, 816 है, तो 2 बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2, और 4 है कितने से मल्टीप्लाई करें, 4 है तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 26 बढ़ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो आ जाएगा। 65 है 13 से काट दोगे तो ये आ जाएगा 20, 5 से काटोगे तो ये आएगा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 के बराबर। x की वैल्यू 2 आ गई, तो शंकु का आयतन पूछ रहा है। आपने कहा ये कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, आर कितना है आपने बोला 10 है, 10 का स्क्वायर 100, इंटू एच, एच कितना है 12 × 24, तो ये आपका आ जाएगा 3 से काट दोगे 8, और 314 दशमलव हटेगा, दोनों जीरो कट जाएंगे, 314 में 8 का गुणा करना है, ये इसका आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 से गुणा करोगे 8 × 6 = 32, तो 2 आएगा यूनिट डिजिट में, 2 ए पार्ट में इसका करेक्ट आंसर है। सिलेक्शन तो होके रहेगा तुम लोगों का, तुम लोगों को इस बात की सिलेक्शन की चिंता मत करो, एकदम अच्छा वाला सिलेक्शन लेना है, उस बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया था, 12th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शंकु का आधार का क्षेत्रफल कितना है, 400 पाई है, तो रेडियस कितनी हो गई 20, इसकी ऊंचाई कितनी है 15 है, तो ये 15 हो गई, तो ये कितना आ जाएगा 15 20 25, तो ये 25 हो गया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, 25 × 50 500 पाई, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 7th का, ठीक है। चलो 6th पे आ जाओ, 6th क्वेश्चन क्या है, शंकु के आधार का व्यास है 42 और वक्र पृष्ठ कितना है, वक्र पृष्ठ है 2310 और इसका आयतन आपको बताना है, आयतन कितना होगा, तो आयतन कितना होगा, व्यास दिया है 42, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 21, और आपको उस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ है मतलब देखो 2310 कितना होता है, 2310 आप याद रखोगे तब मजा आएगा, 2310 ये नहीं होता है, वो तो 1232 होता है, ये होता है 77 × 3, ये होता है आपका इतना, और उसमें गुणा किया गया 10 से, तो 2 से गुणा कर दोगे तो ये 154 इंटू में कितना 5 × 3 = 15, तो ये इतना है आपका, ठीक है। 154 × 15, तो पाई आर एल, पाई आर एल के फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूंगा, और इसमें रेडियस कितनी है 21 है, तो देखो ये रेडियस हो गई 21 के बराबर, तो एल की वैल्यू यहां से निकल आएगी, आप 7 से 7 को काट दोगे तो यहाँ पे बचेगा 3, 3 से काट दोगे ये हो जाएगा 5, यहाँ पे 22 है तो यहाँ पर 22 से काट दोगे तो ये कितना आएगा 2, 7 और 7 आ जाएगा, ठीक है। तो L की वैल्यू कितनी आ गई 7 × 5, तो ये आ गई 7 × 5, तो हाइट कितनी आ जाएगी 7 × 4, ये 7 × 3 है। तो अब आपसे क्या पूछा है, इसका आयतन पूछा है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 11 का मल्टीपल चेक कर लो, 11 का मल्टीपल है 8 × 2 = 10 और 2 = 12, 7 और 5 = 12, तो 11 का तो मल्टीपल बन रहा है, यहाँ पर देखो 9 और 6 = 15 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 में से 5, तो यहाँ पे 11 के तो मल्टीपल हैं, और क्या कर सकते हैं सॉल्व कर लेते हैं, यूनिट डिजिट सारे अलग अलग हैं, तो यूनिट डिजिट आप निकाल लोगे 1/3 करोगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू कितनी 22/7, यहाँ 7 से 7 काट दोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो ये 21 इंटू एच हो जाएगा 28, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 8 × 16 = 6, यूनिट डिजिट में 6 कहां पर है 12936, यस 12936 ये इसका आंसर हो गया। ओके, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करना, इजी क्वेश्चन है। 7 का मल्टीपल देखोगे तो यहां पर कितना है 10.5, 3/2 है, और ये कितना है 120 डिग्री है। 120 डिग्री का मतलब क्या होता है, आपने बोला 120 डिग्री का मतलब होता है 1/3 है टोटल का, तो 1/3 आपने एक तरह से कट किया, 12 × 3 = 36 होता है, तो आपने कहा 1/3 इसका काटा गया है, दो बाउंडिंग जो त्रिज्या है उनको मिला करके एक शंकु का आयतन इस तरह से बनता है, इसका आपको बताना है कि इसका आयतन क्या होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, इस तरह से आपको बताना है कि इस वाले जो शंकु को ऐसे जोड़ा जाएगा तो आयतन कितना होगा, तो आपने बोला इस शंकु को ऐसे अगर देखेंगे तो इसकी बाउंडिंग जो ये त्रिज्या होती है ये इसके लिए क्या बन जाती है, एल के बराबर बन जाती है,
और इसके बाद यहां पर इसकी जो हाइट है वो कैसे निकलेगी, आपने बोला ये जो वैल्यू होती है ये वाली वैल्यू कितनी बन जाती है, इसका जो एल है ये आपका जो आर्क की लेंथ होती है ये इसके लिए 2 पाई आर के इक्वल वर्क करती है, तो 2 पाई आर ये बराबर इसकी एल के हो जाएगा, एल की वैल्यू कितनी आएगी 1/3 2 पाई आर, तो यहां पर ये कितना आ जाएगा 3/2, 7 में वैल्यू कितनी होती है 44 होती है, 3/2 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 3 से गुणा 2 कर दोगे 22, 66 आ गया, तो ये 1/3 66 यानी कि 22 आ गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7/2, तो आपने कहा इसकी वैल्यू है 7/2, यहां पर ये कितना है 7 × 3/2 और ये कितना आ जाएगा, आपने कहा हाइट आ जाएगी 1/3 है तो यहां पर 2√2 हो जाएगा, तो 7 × 2√2 तो 7√2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, तो रूट टू आएगा अपॉन में कितना आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो 4 × 3 = 12, तो 12 और √2 ये आपका सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिफ्थ का सी पार्ट, यस। चलो फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऊंचाई 24 है, आधार का क्षेत्रफल 154 यानी कि रेडियस कितनी होगी 7 हो गई, तो वो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 7 × 24 = 25 बन गया, तो पाई आर एल कितना होता है 550, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर 550 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ये तो आसान से थे, तीनों क्वेश्चन आसानी से आप लोगों ने कर लिया होगा। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या है, आपने बोला बेलन और शंकु आधारों की त्रिज्या बराबर है, ऊंचाई भी बराबर है, तो अंतर किस में है, वक्र पृष्ठ में अंतर है, इसका मतलब क्या है, आपने बोला इसका वक्र पृष्ठ कितना होता है पाई आर एल और उसका कितना होता है 2 पाई आर एच, तो हमने पाई आर तो सेम है, एल और एच में रेशियो है कितना 8/5 का, तो यहां से एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने बोला ये आ जाएगी 16/5 के बराबर, और यहां पर एच, तो एच अगर 5 लोगे तो एल कितना है 16 है, तो बताना है उसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, तो त्रिज्या और ऊंचाई, तो यहां पर ये एल है, L और H में रेशियो आ गया, त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात निकालोगे कितना आ जाएगा 3/4, बताने की नीड है क्या, बेलन और शंकु है, ठीक है, उनके वक्र पृष्ठ है, तो बेलन का ऊपर लिखना है, बेलन का आपको ऊपर लिखना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई आर एच फॉर्म में पाई आर एल, ठीक है, तो पाई आर कटेगा 2h आ जाएगा, तो ये 4 हो गया, तो हाइट कितनी है 4 है, एल कितना है 5 है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, और ये 3, 4, 5 हो गई, तो त्रिज्या और ऊंचाई, तो त्रिज्या ये है और ऊंचाई ये है, तो 3/4 का हो जाएगा, ठीक है, थर्ड का डी आ जाएगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे, किसी शंकु की त्रिज्या को क्या किया जाता है, डबल किया जाता है, और नए शंकु का आयतन मूल शंकु से 3 गुना अधिक है, ठीक है, आपने बोला शंकु की त्रिज्या को क्या किया जाता है, एक शंकु है इसकी त्रिज्या को डबल किया जाता है, ये रेडियस है, इसको क्या करते हैं डबल करते हैं 2r के फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है आपको, और उसकी ऊंचाई को क्या करते हैं, शंकु का मूल आयतन 3 गुना कर देते हैं, आयतन 1 से कितना हो गया 3 हो गया, रेडियस को 2 गुना किया गया, तो 1 से 4 ये अफेक्ट देगी, तो बताने नए ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, तो ऊंचाई अपने का 4 से 3 करेंगे तभी ये अफेक्ट आएगा, 4 से 3 करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 1 से 3 आ जाएगा, तो 4 से 3 हो जाएगी, तो ये ऊंचाई का अनुपात आ जाएगा बी पर, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, ये बोल रहा है अर्धवृत्ताकार कागज है, इसको मोड़ करके 32 सेंटीमीटर व्यास का एक शंकु बनाया जाता है, इस शंकु की गहराई क्या होगी, यानी कि हाइट आपको डेप्थ बताना है कितनी होगी, कर लोगे, तो ये आपने बोला ये कुछ इस तरह से होगा, 32 सेंटीमीटर व्यास है, ठीक है, तो रेडियस कितनी हो गई, ये हो गई 16, ये किसकी, इसकी, तो आपने बोला देखो अगर यहां पर ये कितना होता है पाई इंटू डायमीटर होता है, लेकिन यहां पर तो पाई इंटू आर हो जाएगा, तो 16 पाई ये क्या है, ये इसके लिए इसका आर्क लेंथ है, इसकी आर्क लेंथ इसके लिए क्या वर्क करती है, इसके लिए वर्क करती है कंप्लीट इसकी तरह सर्कमफेरेंस की तरह, तो यहां से आपको इसकी रेडियस निकल करके आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी 8 के बराबर, तो आपने कहा ये रेडियस 8 के बराबर है, यहां पर ये जो इसकी ये लेंथ होती है, आपने कहा ये जो लेंथ होती है एल, यहां से इसको मिलाते हो तो ये वाला पॉइंट जो इसकी रेडियस होती है, यहां पर अगर ऐसे देखोगे तो समझ में आता है, ठीक है, अगर ये है तो ये लेंथ जो होती है ये इसके लिए स्लैंट हाइट की वर्क करती है, तो इसकी जो रेडियस है 16, ये इसके लिए स्लैंट हाइट का तरह वर्क करेगी, तो आपसे ये वाली वैल्यू पूछ रहा है, ये कितना आ जाएगा 8√3 के बराबर, तो ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट वाले क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा, क्लियर है।